जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के लखनऊ मंडल प्रभारी व प्रतापगढ़ जिले के निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष उमा शंकर यादव ने गुरुवार को कुंडा डाक बंगले पर पत्रकारों से बातचीत कर भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री कौशाम्बी सांसद विनोद सोनकर पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पूर्व एक निजी कार्यक्रम में कौशाम्बी सांसद ने कहा था कि जिला पंचायत अध्यक्ष जब अपने गांव व क्षेत्र का विकास नहीं कर पाए तो जिले का क्या विकास करेंगे। उनको बताना चाहता हूं कि अपने गांव में 50 लाख से अधिक की लागत से विकास कराया गया, यही नहीं क्षेत्र का भी विकास कराया गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष ने क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का ब्यौरा भी प्रस्तुत किया। निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष उमा शंकर यादव ने कौशाम्बी सांसद विनोद सोनकर से उनके 7 वर्ष के कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों का भी जवाब मांगा है। आइए आपको सुनाते हैं निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष उमा शंकर यादव ने क्या कहा है। हम सब आप सबको इसलिए बुलाए हैं सरकार बंधुओं को कि अभी कुछ दिन पहले हमारे क्षेत्र के माननीय सांसद विनोद सोनकर जी ने कुछ टिप्पणी की थी हमारे ऊपर, तो हम उनको बताना चाहते हैं कि उन्होंने जो टिप्पणी की है वो गलत है। वो 2 बार के सांसद रह चुके हैं, मौजूदा समय में हैं भी, उनको 7 साल हो गया उनका कार्यकाल। कुंडा तहसील के हमारे यहाँ बाबागंज और कुंडा दो विधानसभा, किस प्रकार की टिप्पणी की थोड़ा इसको बताओ। उन्होंने कहा था कि जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने अपने गाँव तक का काम कोई नहीं कराया, तो हम उनको बताना चाहते हैं कि हमारे गाँव में कम से कम 50 लाख, हमारी गाँव से पटना पड़ती है जो बाबागंज विकास खंड के अंतर्गत, लगभग 50 लाख काम हुआ है। और हमारे क्षेत्र में जहाँ से हमने चुनाव जीता था वो हमारी 15 ग्राम सभाएं हैं, और हर ग्राम सभा में कोई ऐसी ग्राम सभा नहीं है कि जहाँ पर चार पाँच काम न हुए हों। इंटरलॉकिंग हुई है, सड़कें बनी हुई हैं, पक्की सड़कें बनी हुई हैं। मैं आपको उपलब्ध करा देता हूँ वो पूरा प्रोजेक्ट जो हमारे 15 ग्राम सभा में, जैसे मनगढ़ से लेकर के मनगढ़, कुसेमर, लरू, बल्ला, दीवा, जलालपुर, ये आपका जो बसवाही है, इस तरह से कनावा तक के जो हमारा क्षेत्र है, ऐधा ग्राम सभा है, मतलब इस तरह के हमारे यहाँ 15 ग्राम सभाएं जो थी हमारे क्षेत्र में, हर जगह काम हुआ है। हम उसको अभी आप उपलब्ध करा देते हैं। हम सांसद जी कहना चाहते हैं कि उन्होंने अपने 7 साल के इस कार्यकाल में उन्होंने क्या काम किया है जो कि हमारा जो दिखाई दे पड़े, कौन से रोड बनवाए हैं, कहाँ बिजली लगवाए हैं, उन्होंने सांसद ने कहाँ खर्चा की है वो हमें स्वयं बताएं। तो अपना वो दूसरों के ऊपर जो टिप्पणी करते हैं वो अशोभनीय कार्य, वो अपना काम बताओ, हमारा काम का चर्चा कर सकते हैं तब ठीक है, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया है आज तक। उन्होंने खाली झूठा आश्वासन दिया है, झूठा, खाली लोगों को इधर उधर फंसाने का काम, यही उनका काम है। जहाँ काम की बात है हम आपको उपलब्ध करा दे रहे हैं, आपके जो हमारा कार्यकाल था उस कार्यकाल के अंदर हमने यही नहीं पूरे जिले के सारे सदस्यों को 1 करोड़ से 1.5 करोड़ तक का काम हर सदस्यों को दिया है। नहीं तो सरकारी आंकड़ा है हमारे पास, तो निकलवा करके तो देख लें कहाँ किस क्षेत्र में कौन कौन सा काम हुआ है। एक दूसरा जो बयानबाजी करते हैं तो देना बंद कर दें, सांसद हैं और अपने हिसाब से कार्य करें और किसी के उत्साह में रोड़ा ना बने। हम लोग माननीय राजा भैया की तरफ से जो आदा दिशा निर्देश होता है उसी तरह काम करते हैं, और क्षेत्र में सबका सम्मान करते हैं, सारे सदस्यों का सम्मान करते हैं। और जो कार्य हुआ है मैं अभी तुरंत इसी वक्त मैं आपको एक विज्ञप्ति दे रहा हूँ, आप उसको मीडिया के माध्यम से आप उसको निकाल सकते हैं।